आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में फिर से मॉनसून सक्रिय हुआ है। भोपाल समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। चार दिन तक भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 27 जुलाई को सिस्टम बना तो लगातार 8 दिन बारिश होगी। विदिशा के सिरोंज, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में जमकर बारिश होगी। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हुआ। जहां कुछ लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं ये बारिश आफत की बारिश भी कहलाती नजर आ रही है, क्योंकि कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और पानी भर गया है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्कार जी। अजय जी, आगामी दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि अब देखिए मॉनसून तो सक्रिय हो गया है कुछ जिलों में, हालांकि लोगों ने राहत की सांस भी ली है, लेकिन आगामी दिनों में जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात रहेंगे। अच्छा है भाई, एक कम दबाव का जो क्षेत्र कल बना था उसके कारण वर्षा जो है मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा की संभावना है। और साथ ही साथ जो है 27-28 तारीख को दूसरा एक सिस्टम बनने वाला है, तो लगातार सिस्टम बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उसका जो मूवमेंट है, जो ट्रैक है, वो नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में है और मध्य प्रदेश की ओर आएगा, तो अच्छी वर्षा की संभावना है जी। शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। तो बता दें कि अच्छी बारिश की संभावना आगामी दिनों में भी जताई जा रही है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अभी बारिश के आसार हैं, लेकिन ये बारिश कुछ जगह आफत की बारिश बनकर भी उभरी है। जिलों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, घरों में पानी घुस गया है, बस्तियों में पानी घुस गया है। एक महीने के लंबे इंतजार के बाद सिरोंज में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। आलम यह रहा कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। सिरोंज का तलैया मोहल्ला नदी में तब्दील हो गया। घरों में और सड़कों पर 5 से 7 फीट तक पानी भर गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूब गईं। इस बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रहवासियों का कहना है कि जिस नाले से पानी की निकासी होती है वहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर लोगों ने मकान खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से करीब 4 घंटों की बारिश से शहर का आलम ये हुआ। तो घरों और सड़कों में पानी भर गया है। सिरोंज का ये नजारा है जो कि आप टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो अब ये 6 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर सिरोंज की हैं। निगम की पोल भी खोल कर रख दी है इस बारिश ने। सड़क हो, घर हो, स्कूल हो या बस्ती हो, पूरी जगह बस पानी ही पानी। तो ये 6 तस्वीरें और हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश हुई, लंबे इंतजार के बाद बारिश हुई है, इसलिए कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी दिखाई दे रही है, लेकिन नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल जरूर खुल गई है। और बैतूल में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से सतपुड़ा डैम पानी से लबालब हो गया, जिसकी वजह से जल संसाधन ने डैम के 7 गेट खोल दिए हैं। डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश हुई। वैजेही में पूर्णा नदी और गौतमा नदी उफान पर है। 3 घंटे की लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों में पानी घुस गया है। तो जल संसाधन ने डैम के 7 गेट खोल दिए थे। तो बैतूल में अब बारिश आफत की बारिश हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और अगली खबर भी बैतूल से ही है। बाढ़ में 2 युवती और युवक फंस गए। तीनों ने ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। ग्रामीण और पुलिस ने रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। धान के खेत में काम कर रहे तीनों लोग फंस गए थे। सारिणी थाना क्षेत्र के जुआरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 2 युवती और युवक फंस गए। बाढ़ में ये लोग फंस गए थे, हालांकि उनको रेस्क्यू किया गया और उनकी जान बचाई।